स्वागत है आप सभी का नेशनल लाइव में। और नेशनल लाइव की टीम इस वक्त एसएल सूरी डीएवी स्कूल में मौजूद है और यहां पर कार्यक्रम जो है हैप्पी ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया जा रहा है। व्यस्तता के चलते आज के समय में जहां अपने दादा दादी या पेरेंट्स को टाइम देने में दिक्कतें होती हैं, लोगों के पास ऑफिशियल वर्क होते हैं तो इस वजह से नहीं दे पाते, ऐसे बीच में किड्स कैनवास के द्वारा जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और कार्यक्रम का आयोजन जो है एसएल सूरी में इस वक्त किया जा रहा है। हम यहाँ के टीचर्स से बात करेंगे, यहाँ के प्रिंसिपल से बात करेंगे और जानने का प्रयास यही रहेगा कि इस कार्यक्रम का क्या मकसद है और इस व्यस्तता के चलते जिस तरीके से पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पाते हैं या जो अपनी जनरेशन जहाँ से हम आए हुए हैं अपने दादा दादी को टाइम नहीं दे पाते, ऐसे बीच में इस कार्यक्रम का क्या महत्व होता है, इन सब पर हम टीचर्स से बात करेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स से बात करेंगे, उनके माता पिता से बात करेंगे और साथ ही बच्चों से भी बात करेंगे और जानने का प्रयास यही रहेगा कि आखिर क्या कुछ सोच रहे हैं इस कार्यक्रम के बारे में। ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया जा रहा है किड्स कैनवास के द्वारा और बातचीत करने के लिए एक छोटी सी बच्ची है जो है, आपका नाम क्या है बताइए? क्या बनना है, आज क्या बने हो आप? नानी। नानी? अच्छा लग रहा है? ओके, तो साथ में इनकी मम्मी भी हैं। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि आज बच्चे जो है यहाँ पे आए हैं, क्या इनको तैयार किस बेस पे किया गया है? एक्चुअली कुछ एक फंक्शन है ग्रैंड पेरेंट्स डे का, जैसे कि आजकल कुछ पेरेंट्स हैं जो कि बच्चों को टाइम कम दे पा रहे हैं या बच्चे स्टडीज़ में बिज़ी हैं या फिर कहीं और बिज़ी रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स को कम टाइम दे पाते हैं, इस टाइप के कुछ फंक्शंस होते हैं तो अच्छा रहता है, मोटिवेशन मिलती है, बच्चों को भी एक इन्हांस होने का टाइम मिलता है, बच्चों को पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, एंड आई थिंक इस टाइप के फंक्शंस होना बहुत अच्छा रहता है स्कूल्स में। आज आप लोग पहली बार जो है एसएल सूरी में कार्यक्रम में ग्रैंड पेरेंट्स डे में आए हैं, कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि बच्चे अच्छे से इन्जॉय करें एंड आई थिंक मेरी बेटी बहुत अच्छा इन्जॉय कर रही है इधर इस फंक्शन में, और स्कूल में बहुत अच्छे से बच्चों को बिठाना करना और सब कुछ बहुत अच्छे से किया गया है, तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। कार्यक्रम में आए हुए ग्रैंड पेरेंट्स इस समय हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर आप जो है ग्रैंड पेरेंट्स डे पे आज सम्मिलित हुए कार्यक्रम में, कैसा लग रहा है सबसे पहले? अच्छा, बहुत अच्छा है, ये एक गर्व की बात है कि ग्रैंड फादर आज तक हम जो स्कूल में आए हैं कभी भी आए तो हम फादर की हैसियत से आए, आज जो हम आए हैं अपने ग्रैंड फादर बन गए। सर कितना मायने रखता है, जैसे आज के समय में जब बच्चे या फिर जो है अपने जो छोटे बच्चे होते हैं वो टाइम नहीं दे पाते हैं व्यस्तता के चलते या पढ़ाई के चलते, ऐसे बीच में जब आप लोग एक साथ जो है बैठते हैं कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं तो कैसा लगता है आप लोगों को? मतलब ये लगता है कि जैसे हम जो है ना आई एम द सीनियर ऑफ द फैमिली। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, यहाँ पे सबको बहुत अहमियत दी जा रही है, दादा दादी नाना नानी सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, इट्स रियली अमेजिंग, ऐसा हर जगह पे होना चाहिए। और जैसे अभी आज के समय में देखा जाता है कि व्यस्तता लोगों में काफ़ी रहती है, ऐसे बीच में जब आप लोग इकट्ठा होते हैं और ऐसे कार्यक्रम स्कूल द्वारा आयोजित किए जाते हैं तो कितना इम्पोर्टेंस रखता है आप लोगों को, कितना अच्छा लगता है ऐसे कार्यक्रम? वैसे तो शेड्यूल बहुत बिजी होता है लेकिन हम लोग टाइम निकाल के आते हैं वर्किंग होने के बावजूद, जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो भी बहुत खुश है कि उनको इतना सम्मान मिल रहा है। जनरली बहुत घरों में होता है कि ग्रैंड पेरेंट्स को इतनी अहमियत नहीं दी जाती बट यहाँ पे वो इम्पोर्टेंस सिखाई जा रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपसे एक सवाल और लास्ट रहेगा कि आप किड्स कैनवास में आपके बच्चे पढ़ते हैं, कैसा एक्सपीरियंस है, क्या स्कूल के बारे में अगर आप बताना चाहें, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो? यहाँ पे बच्चों को सारे संस्कार दिए जाते हैं जो माँ बाप के अलावा स्कूल से मिलना बहुत ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं हमें जो मिल रहा है देखने को, तो यही है कि हर एक बच्चे को ये नहीं होता है कि रिसोर्सेज कम है, कम रिसोर्स में भी बच्चा अच्छा सीख सकता है, और यहाँ पे उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसकी वजह से वो आज अपने को प्रेजेंट कर रहे हैं और जो भी इवेंट है उसको एक सक्सेस बना रहे हैं। मैम आज एसएल सूरी ने इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? अगर मैं प्रिंसिपल मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि किड कैनवास को उन्होंने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जो हर स्कूल को करना चाहिए, एक छोटे स्कूल को बड़े स्कूल अगर साथ देते हैं तो डेफिनेटली ये समाज के लिए भी अच्छा है। किड्स कैनवास की जो है इसमें कोऑर्डिनेटर हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद है। मैम सबसे पहले आज आप ग्रैंड पेरेंट्स डे मना रही हैं, इसका मकसद क्या है आप बताना चाहें, एक्सप्लेन करना चाहें तो? ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं सर वो तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हम सबकी लाइफ में, चाहे मैं हूँ, आप हैं, हमारी आने वाली जनरेशन है, कोई भी है,
तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हम सबकी लाइफ में। तो ग्रैंड पेरेंट्स हम लोगों के सेलिब्रेट करने का मोटिव यही रहता है कि हम उनमें भी एंथू लाएँ कि वो भी हमारे बच्चों की लाइफ में कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस रखते हैं। अगर अगला सवाल मेरा यही रहेगा कि जिस तरीके से अभी आज कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, ऐसे में ग्रैंड पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स और बच्चे एक साथ एक टुगेदर हुए हैं, तो कैसा माहौल आप देख पा रही हैं कोऑर्डिनेटर के तौर पे, आप कैसा महसूस कर पा रही हैं, कैसा उनके बीच में एक माहौल है, आप अगर बताना चाहें तो। सर मैंने जो नोटिस किया है दैट इज़ कि न्यूक्लियर फैमिली से ज़्यादा जो बच्चे जॉइंट फैमिली में पैदा होते हैं या जॉइंट फैमिली में ग्रो अप करते हैं, दे आर मोर अटेंटिव, मोर रिप्रेजेंटेटिव, मोर एंथुजियास्टिक रेदर देन जो न्यूक्लियर फैमिलीज से बिलोंग करते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया जा रहा है और बातचीत करने के लिए हमारे साथ किट कैनवास की जो है डायरेक्टर इसमें मौजूद हैं। मैम सबसे पहले ये बताइए कि जिस तरीके से आज के समय में व्यस्तता के चलते हम माता पिता या फिर दादा दादी को टाइम नहीं दे पाते, ऐसे बीच में इस कार्यक्रम का क्या महत्व है, थोड़ा सा समझाएँ आप। मायसेल्फ मोनिका खन्ना। एक्चुअली ये है कि हम मतलब बच्चों को वो चीज़ ना जॉइंट फैमिलीज हैं ना कुछ हैं, तो बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स डे का इतना नहीं पता होता, तो उन्हीं चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ एक ऐसा करना चाहिए जिससे बच्चों को पता चले कि हाँ भाई हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको उनकी गाइडेंस मिलनी चाहिए ये सब करते हुए। इस चीज़ सोच के हमने ये प्रोग्राम किया। तो मैम जैसे अभी मनाया जा रहा है ग्रैंड पेरेंट्स डे, तो आपसे जानना चाहेंगे कि रूपरेखा क्या है, कैसे कार्यक्रम को तैयार किया गया है, क्या क्या आपके कार्यक्रम है आज इस प्रोग्राम में। स्टार्टिंग हमने वही गणेश जी से करा, उसके बाद वही है कि दादी नानी इन सबको लेते हुए कि वो साथ में चलें और बच्चों को ये दिखाते हुए कि नानी का रोल क्या होता है आपकी फैमिली में, दादी का रोल क्या है, क्योंकि बड़ों के बिना आपकी फैमिली का कोई रोल ही नहीं है ना। आपके पेरेंट्स आपके साथ कितना गाइड कर लेंगे, लेकिन जो हमें हमारे बड़े सिखाते हैं वो हमें बड़े ही सिखा सकते हैं, तो वो चीज़ हमें बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है, तो यही चीज़ को रोल करते हैं। तो आप देखिए कि जो है किड्स कैनवास की डायरेक्टर हमारे साथ में बात कर रही थी और साथ में हमारे साथ में एसएल सूरी डीएवी कॉलेज की जो है मैम हमारे साथ में मौजूद है। मैम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगी कि आज व्यस्तता के समय में जिस तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, आपके स्कूल के द्वारा इस कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा रहा है, कैसा लग रहा है, सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे। मैं तो कहूँगी ये बहुत ऑनर है हमारे लिए, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है सबकी लाइफ में, जो हमारे संस्कार हैं, वैल्यूज़ हैं, वो तो वहीं से आते हैं ना, तो उनको भी इम्पोर्टेंस उतनी ही देनी चाहिए, बल्कि ज़्यादा देनी चाहिए पेरेंट्स से भी, क्योंकि पेरेंट्स को भी उन्होंने सिखाया और आगे हमें सिखाया जा रहा है। तो जिस तरीके से इस कार्यक्रम को अभी रूपरेखा तैयार की गई, आप लोगों ने बढ़ावा दिया, जो ऐसे किड्स कैनवास जैसे स्कूल हैं, इन सबको बढ़ावा देने के पीछे मकसद क्या है आप लोगों का, अगर आपसे जानना चाहें तो। ऐसा है कि किसी के पास कोई रिसोर्स होता है, किसी के पास कोई और होता है, अगर हम शेयर करेंगे रिसोर्सेस तो हम सभी रिच बन जाएंगे, तो हम क्यों अपनी चीज़ को अपने साथ बांध के रख रहे हैं, हम क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं, बिकॉज व्हेन वी शेयर वी ग्रो, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आज के समय की जैसे बातचीत हो रही है कि व्यस्तता के चलते हम कभी कभी समय नहीं दे पाते या ज़्यादातर मौके पर समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन ऐसे बीच में इस कार्यक्रम का मकसद जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, जोड़ने का एक प्रयास किया जा रहा है, आपको कितना लगता है कितना इम्पोर्टेंस इनकी है, ज़रूरत बच्चों की है, या फिर एक दूसरे से जोड़े रखना कितना इम्पोर्टेंस रखता है आज के समय में। ये जितने भी प्रोग्राम हैं ये बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए हैं, और जितना अर्ली हम स्टार्ट करेंगे उतना बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो आगे लाइफ में बढ़ेगा, और वही हमें चाहिए। तो हमारे साथ में जो है आज इस मौके पर बातचीत करने के लिए जो है प्रिंसिपल मौजूद थी और साथ में डायरेक्टर भी हमारे साथ में बातचीत कर रही थी और कार्यक्रम के बारे में साफ तौर से बता रही थी कि व्यस्तता के समय में आज के समय में कितना अहम रोल दादा दादी या पेरेंट्स का रहता है, इन सब पर बात कर रही थी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी रोहित, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।